नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस ने एक दिन पहले कार्य समिति की बैठक बुलाकर घोषणा पत्र से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की है। मेरे साथ इन सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए कांग्रेस के सांसद मौजूद हैं। सर, कांग्रेस ने 5 न्याय की गारंटी देने की बात करी है, घोषणा पत्र पर कार्य समिति ने चर्चा भी करी है, क्या कहना है आपका? जो गारंटी बार राहुल जी ने कहा है जी, वो वास्तव में कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है जी, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही, कांग्रेस पार्टी हमेशा समझती रही है जी, कि हमारे देश की अगर कोई ताकत है जी, तो हमारे देश की ताकत किसान है, गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, यही ताकत है जी। और जब तक इसके हक और अधिकार की गारंटी नहीं होगी जी, जब तक इसके स्वाभिमान और सम्मान का भरोसा नहीं होगा जी, तब तक कोई भी मुल्क प्रगति नहीं कर सकता जी। इसी बेस को लेकर के जो है राहुल जी ने जो यात्राएं किया, यात्रा में जो उनको अनुभव मिला, हर समाज के लोग मिले जी, तो जो उनको अनुभव मिला, जो उन्होंने महसूस किया, उसी के आधार पर उन्होंने 5 गारंटी की बात कही है जी, वो सही है और उसको क्रियान्वित करेंगे जी। ये मोदी जी के केवल गारंटी की बात करते हैं जी, इनके केवल झूठ भर की गारंटी है, इसके अलावा कोई गारंटी नहीं है जी। क्योंकि अगर गारंटी होती तो जो वादे इस देश की जनता के सामने उन्होंने किया था जी, उसी मुद्दे के आधार पर जनता से वोट मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन जो भी गारंटी की बात करते हैं, जो भी वादे किए आज तक, बड़े बड़े वादे किए, लुभावने नारे दिए, एक का भी क्रियान्वयन नहीं हुआ। क्रियान्वयन होना अलग बात है, हिम्मत भी नहीं है कि उस मुद्दे के आधार पर हम जनता से वोट मांगें कि हमने वादा किया था, इसको हमने इतना पूरा किया है, आगे और करेंगे, नहीं हो पाया है, तो ऐसी कुछ बात नहीं है। तो वो केवल ये है कि मुद्दों से लोगों को भटकाना, और राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो माने अर्थार्थ में जो सही है उसको लागू करना, उसके जीवन में खुशहाली लाना, वो राहुल गांधी करेंगे जी। और आप इतने अनुभवी नेता हैं, आज से पहले चरण का नामांकन भी शुरू हो चुका है अधिसूचना जारी होने के बाद से, क्या लगता है आपको NDA वर्सेस इंडिया, क्या आप परिणाम 4 जून को जो आएंगे वो तो 400 पार का नारा दिख रहे हैं, आप अपने लिए क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक जो जनता का रुझान है, जो जनता का विश्वास है जी, निश्चित रूप से मानिए कि मोदी जी का चरित्र उजागर हो गया है जी। जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचारों के सामने नाच रहा है जी। जो अपराध खत्म करने की बात करते हैं, अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, वो नारे में कहते हैं कि राहुल गांधी तो महिला शक्ति का अपमान कर रहे हैं जी। है जी। और इनसे पूछा जाए कि रावण एक शक्ति था कि नहीं था, आज जो देश में आसुरी शक्तियां बढ़ रही हैं, जो प्रजातंत्र से भी ऊपर अपने आप को मानती हैं, जो संविधान से अपने आप को ऊपर मानती हैं, उससे बड़ी शक्ति कौन हो सकती है जी। तो ऐसी शक्ति बन करके जो मोदी उभर रहे हैं, उस शक्ति का राहुल गांधी विरोध करेंगे, करते हैं, करते रहेंगे जी। तो आपका एक तरह से कहना है कि वो, लेकिन रामराज की बात करते करते रावण राज आ रखा है, रावण राज तो है ही है, और जो सीट की बात करते हैं, नहीं तो कहने की मोदी जी जो है इस बार 200 के पार नहीं होंगे जी। हाँ जी, 200 के पार नहीं होंगे। और अगर हम देखें कि बहुत सारे राज्यों में आप लोगों का गठबंधन, जो सीटों का बंटवारा है वो नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें हैं, लगता है कि आसान हो जाएगा? देखिए, ऐसा है कि जहाँ राजनीतिक दल होते हैं, कई विचारधाराएं होती हैं, स्वाभाविक कुछ मनभेद होता है और कुछ इधर उधर भी लोग जाते हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से आज देश की चुनौतियां हैं, जिस तरह से देश की समस्याएं हैं, जो सत्ता पक्ष द्वारा पैदा की जा रही हैं, जो प्रजातांत्रिक और संवैधानिक प्रावधानों को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत हित और व्यक्तिगत पार्टी को भी छोड़ करके आज जरूरत है कि एक सामूहिक तरीके से उस विचारधारा को मजबूत किया जाए, जिस विचारधारा पर इस देश के गरीब से गरीब का हक अधिकार सुरक्षित है जी, गरीब से गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित है, उस विचारधारा को लेकर के, उस देश को लेकर के इंडिया गठबंधन हुआ है और निश्चित रूप से सफल रहेगा। व्यक्तिगत कोई आता है जाता है, कहीं नहीं हो तो अलग बात है जी। आपने क्योंकि अभी शक्ति की बात करी थी, आज एक न्यूज रिपोर्ट छपी है कि राहुल गांधी जी ने कहा है कि जो घोषणा पत्र बनेगा उसका हिंदी में एकदम सटीक ट्रांसलेशन भी किया जाए, ताकि कोई उसको उसका कुछ दूसरा मतलब निकाल के चुनाव के दौरान मतलब दूसरा ना खड़ा कर सके। नहीं नहीं, निश्चित रूप से, और चाहिए भी कि हिंदी में भी, हर उसमें हर भाषा के लोग रहते हैं तो हर भाषा में होना चाहिए, आसान भाषा में होना चाहिए, जो एक गांव और देहात के आदमी को भी समझ में आए कि आशय क्या है। बहुत क्लिष्ट शब्द होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, अंग्रेजी में होते हैं, कि समझे में नहीं आता, हम लोग के समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से उन्होंने जो कहा है वह सही कहा कि सामान्य आदमी के भी समझ में आना चाहिए कि यथार्थ क्या है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।